दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीमेल के फीचर्स के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर सकते हो, कैसे आप किसी भी मेल को सर्च कर सकते हो, कैसे आप किसी भी मेल को ड्राफ्ट में सेव करके रख सकते हो। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ गोविंद, स्वागत है आप सबका टेकबुक डॉट यूट्यूब चैनल पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। दोस्तों मैं मेरे केस में गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप अपने केस में किसी अदर ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जाना है या एड्रेस बार में और टाइप करना है जीमेल। दोस्तों अब आपको अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमारा मेल ओपन हो चुका है। दोस्तों आपको यहाँ राइट साइड कॉर्नर पे एक सर्कल नजर आएगा, जब आप उस पे अपना माउस लेके जाओगे वहां आपको अपना ईमेल आईडी नजर आएगा। मेरे केस में मेरा ईमेल आईडी है mnop example2019@gmail.com जो मुझे शो हो रहा है। उसके बगल में आपको गूगल एप्स का मेन्यू नजर आएगा, जब उस पर आप क्लिक करोगे वहां आपको बहुत सारे गूगल्स के ऐप मिल जाएंगे, जैसे यूट्यूब हो गया, प्ले स्टोर हो गया, गूगल सर्च हो गया, गूगल मैप हो गया एटसेट्रा। दोस्तों आप जब नीचे आओगे यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा कीप का, ये कीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि कीप का इस्तेमाल हम लोग किसी नोट्स को बना के सेव करके एज अ रिमाइंडर सेव करके रख सकते हैं, ताकि हम जब भी उस चीज़ को रिमाइंड करना चाहें तो वो मुझे रिमाइंड करवा दे, या जब भी मैं स्क्रीन पर नज़र डालूं तो मुझे दिख जाए कि मैंने क्या नोट करके रखा हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां आपको सर्च मेल का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों ये सर्च मेल का ऑप्शन इसीलिए होता है क्योंकि अभी यहां सिर्फ एक मेल है, अगर यहां बहुत सारा मेल हो जाएगा तो मुझे एक एक करके सर्च करने में बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ सर्च मेल का ऑप्शन है, मैं यहाँ सर्च कर सकता हूँ। अगर मुझे पता हो कि किस नाम से मेल आया था तो मैं डायरेक्टली उसका नाम वहाँ पे एंटर कर लूँगा, या अगर मुझे कोई एडवांस सर्च करना है तो यहाँ आपको एक एरो नज़र आएगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक बॉक्स ओपन होगा, आप इस बॉक्स के इस्तेमाल से मेल को अच्छे से सर्च कर सकते हो आसान तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ राइट साइड में आते हैं, राइट साइड में आपको ये मेन मेन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारे जितना भी पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये हाइड हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, सारा पार्ट हाइड हो गया। उसके बाद मैंने इस पर फिर से क्लिक किया तो सारा पार्ट अनहाइड हो गया। दोस्तों यहाँ आपको फिर नीचे कंपोज का ऑप्शन मिलेगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ये बॉक्स ओपन होगा। दोस्तों इसी की मदद से हम लोग मेल टाइप करते हैं। दोस्तों मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक मेल को लिखा कैसे जाता है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों होता ये है कि आपके सामने बहुत सारे मेल होंगे, उसमें से कोई एक मेल होगा, एक या एक से ज़्यादा भी मेल हो सकता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो आप अगर उस मेल के ये बगल में आपको स्टार का ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो वो मेल स्टार में जाकर सेव हो जाएगा। तो आप जब भी खोजना चाहो मेल को, इम्पॉर्टेंट मेल को, तो आप डायरेक्टली स्टार में जा सकते हो, आपको वो मेल वहाँ पे दिख जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने इसे स्टार किया था, ये यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं स्नूज्ड के पास। इसका ऑप्शन ये होता है कि मैं स्नूज करके रखूंगा, मैं किसी टाइम टेबल पे उसको देख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ सेंट का ऑप्शन आता है। सेंट में क्या होता है, आपने जिस किसी को भी मेल किया होगा मेल को कंपोज करके वो आपको यहाँ शो होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट में ये होता है दोस्तों, आप किसी मेल को अगर टाइप किए हो और क्रॉस कर दिए हो तो ड्राफ्ट में आके सेव होता है। दोस्तों मैं ये आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं कंपोज में जाता हूँ और मैं यहाँ बस सब्जेक्ट में लिख देता हूँ,
मान लीजिए मैं लोगो लिख देता हूँ और मेल में लिख देता हूँ हाय, इसको क्रॉस कर देता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हो ये ड्राफ्ट में जाकर सेव हो गया है। इस तरीके से बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, अगर अपना सिग्नेचर को सेव करके रखना हो कहीं, तो वो ड्राफ्ट में जाते हैं कंपोज के ऑप्शन में, या कुछ भी सब्जेक्ट लिख देते हैं, जैसे कि सिग्नेचर को स्टोर करके रखना है, वो सिग्नेचर यहाँ टाइप कर देते हैं और यहाँ से फाइल को अटैच करके रख लेते हैं यहाँ पे। इसका यही फायदा है दोस्तों, ताकि वो ये कभी उनके पास खोए ना, इसका इस्तेमाल वो कभी भी कर सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ मोर का ऑप्शन मिल जाएगा। मोर के नीचे है इम्पॉर्टेंट का ऑप्शन, चैट का ऑप्शन, शेड्यूल का ऑप्शन। शेड्यूल का ऑप्शन हम लोग उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, जब हम लोग मेल को टाइप कर ले और उसको शेड्यूल में डाल दें। कहने का मतलब एक फिक्स शेड्यूल में जिस समय वो मेल किसी अदर बंदे के पास चला जाए जिसको हम लोग भेजना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा एक ऑप्शन स्पैम का। बहुत सारा ऑप्शन कभी कभी, बहुत सारा जो मेल रहता है दोस्तों वो कभी कभी स्पैम में चला जाता है। उसके बाद ऑप्शन आता है थ्रैश का, बहुत सारे जो मेल होते हैं वो कभी कभी थ्रैश में भी चले जाते हैं। यहाँ से आप अपने लेबल को बना सकते हो। लेबल कहने का मतलब दोस्तों, अभी करेंटली आपको जब मेन मेल में जाओगे, इनबॉक्स में जाओगे, तो आपको यहाँ तीन लेबल दिखाई देगा, प्राइमरी, सोशल एंड प्रमोशन। आप लेबल का इस्तेमाल करके अपने ये जो लेबल है इसको बना सकते हो, कोई एक अलग लेबल क्रिएट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके सामने ये दिख रहा होगा ऑप्शन, ये एम लिखा हुआ। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ से अपने प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों मैं प्रोफाइल पिक्चर आपको चेंज करके दिखाऊँ, इस पर क्लिक करता हूँ। मेरे सामने ये बॉक्स ओपन हो गया, यहाँ अपलोड फोटो का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से मैं किसी फोटो को यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ से सेटअप सेलेक्ट अप फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, मैं इस पर क्लिक कर लूंगा और जिस भी फोटो को मुझे सेलेक्ट करना है मैं उस पर क्लिक कर लूंगा। दोस्तों मैं बस आपको डेमो पर्पस के लिए दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये बर्निंग वाला पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, मैं इसे यहाँ अपलोड कर दिया। अब आप चाहो तो इसे क्रॉप कर सकते हो या नीचे कर लो, डायरेक्टली सेट एज प्रोफाइल पिक्चर कर लो, ये आपके प्रोफाइल पिक्चर के रूप में सेव हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी इसे अपडेट होने में टाइम लगता है आपके प्रोफाइल पिक्चर को, तो थोड़ी देर के बाद ये खुद पे खुद अपडेट हो जाता है। तो मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा ले रहा हूँ दोस्तों, शायद अपडेट हो चुका होगा। दोस्तों अभी तो ये अपडेट नहीं हुआ है। दोस्तों उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि जब आप इस पे क्लिक करोगे, फिर से एम पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ साइन आउट का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप जीमेल से, अपने अपने जीमेल से आप बाहर आ जाओगे। देखिए दोस्तों मैं यहाँ साइन आउट पे क्लिक किया, मेरा यह फिर से ये पेज ओपन हो चुका है, तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। तो दोस्तों यही था मेरा एक वीडियो जहाँ मैंने आपको बताया कि जीमेल्स में क्या-क्या फीचर्स होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।